Zombie Apocalypse. सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेंटर पॉइंट गेमर पर। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है हर बंदे के लिए। आज की वीडियो आपको बताऊंगा कि बूट पिकर से ड्रैग हेडशॉट कैसे लगाएं। जी हाँ गाइस, काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो ड्रैग कर करके परेशान हो गए हैं लेकिन उनसे बिल्कुल भी हेडशॉट नहीं लगता। तो आज की वीडियो आपको एक ऐसा जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं जिससे 100% सभी बंदों का हेडशॉट पर हेडशॉट लगने वाला है, अगर आप इस वीडियो को एक बार एंड तक देखते हो। तो अगर गाइस आपसे भी हेडशॉट नहीं लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखो। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं जितने बंदे देख रहे हो सभी का हेडशॉट पर हेडशॉट लगने वाला है। तो अभी गाइस सबसे पहले आपको बता देता हूं वुड पिकर से हेडशॉट लगाने का जो सीक्रेट मेथड है वो कौन सा है। उसके बाद आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करना होगा, मतलब ये जो ट्रिक बता रहा हूं उसका रिक्वायरमेंट है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो ट्रिक है वो वर्क करेगा। तो देखिए, हमारा जो हेडशॉट का ट्रिक है वो ये है कि आपको यहां पर जो एम दिख रहा है ना, ये पूरा एम का ही खेल रहता है। मतलब आपको एम को जमा कर यहां पर इसको ड्रैग करना रहता है। अगर आप ड्रैग करते हो और वैसे में एम जो है वो हेड पर नहीं जाता और हेडशॉट नहीं लगता, तो वैसे में समझ लो आपका फोन बहुत ज्यादा लैग करता है। मतलब लैग करने की वजह से ये जो एम है आप सिंपल से ट्रैक करोगे तो हेड पे जाने के बजाय इधर उधर हो जाता है, मतलब हेड के लेफ्ट में चला जाएगा या फिर हेड के साइड से चला जाएगा। तो वैसे में गाइस हेडशॉट नहीं लगता, तो आपको ये जो एम है इसको सही से जमा कर हेडशॉट लगाना पड़ता है। तो देखिए, हमारा खेल पूरा एम का ही है। तो अगर आपके फोन में बहुत ज्यादा लैग हो रहा है तो वैसे में गाइस आप स्मूथ ग्राफिक्स को रखकर खेलो, क्योंकि जब तक आपका फोन लैग करते रहेगा आपसे हेडशॉट नहीं लगने वाला। तो आपका जो ग्राफिक्स उसको पहले कम कर लो और यहाँ पर हमारे ट्रिक को देखो कैसे आपको फॉलो करना है। तो देखिए, आपको बताता हूँ यहाँ पर जो फायर का बटन है इसको तो पहले मीडियम साइज में रखना, मतलब इसको एकदम ज्यादा बड़ा भी मत रखना, एकदम ज्यादा छोटा भी मत रखना, क्योंकि ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ना वैसे में ही काम करेगा। अगर आप इसको अपने मन से जमा कर रख देते हो, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हो या फिर बहुत ज्यादा छोटा कर देते हो, तो ट्रिक बाद में वर्क नहीं करेगा, तो मुझे मत बोलना। तो इसलिए बता रहा हूँ इसको कम से कम 60-65 या फिर 70 करके रखना। और यहाँ पर ये जो ट्रिक देख रहा हूँ बिल्कुल सेम ट्रिक है, आपको ना ही कुछ कंडीशन देखना है ना ही प्रैक्टिस करना है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे ट्रिक के बारे में। तो देखिए, हमारा ट्रिक बहुत सिंपल सा है, आपको सिंपल से ड्रैग करना है। जैसे आप नॉर्मली ड्रैग करते हो आपको सिंपल से ड्रैग करना है, लेकिन ड्रैग करने का तरीका बिल्कुल अलग रहेगा। मतलब ड्रैग करने का भी अलग अलग तरीका रहता है, जो प्रो प्लेयर रहते हैं उनसे अच्छे से पता रहता है कि ड्रैग कैसे करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली बंदे ड्रैग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं, एकदम जो बड़ा फायर बटन रहता है, जो मेन फायर बटन, उसको लॉन्ग प्रेस करते हैं एकदम, मतलब जोर से दबा देते हैं, उसके बाद ड्रैग करते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, आपको ऐसे ड्रैग नहीं करना है। अगर आप मेन फायर बटन को एकदम जोर से दबा कर ड्रैग करते हो तो वैसे में बिल्कुल भी हेडशॉट नहीं लगेगा। आपको एकदम उसको ढीला छोड़कर ड्रैग करना है, मतलब एकदम स्मूथली ड्रैग करना है। तो आपको वैसी गलती नहीं करना है, बहुत सारे बंदे एकदम दबा के ड्रैग करते हैं इसी वजह से हेडशॉट नहीं लगता। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको एकदम इसको स्मूथली ड्रैग करना है, मतलब आपको एकदम इसको हल्का पकड़ना है। जितना ज्यादा आप इसको हल्का पकड़ सकते हो उतना ज्यादा आप फायर बटन को हल्का पकड़ो, और आपको एकदम स्पीड से ड्रैग करना है, जितना ज्यादा स्पीड से कर सको उतना ज्यादा स्पीड से ड्रैग करना है। और ये एक बार में नहीं होगा, मतलब काफी सारे बंदे इस ट्रिक को यूज करने के लिए क्या करेंगे कि एक बार एकदम ज्यादा स्पीड से ड्रैग करेंगे फिर बोलेंगे कि हेडशॉट नहीं लग रहा है। तो देखो यार, ये जो स्पीड है ना ये आपसे तुरंत नहीं लगने वाला, मतलब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पीड बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो, मैं जहाँ पर देख सकता हूँ एम जो है थोड़ा सा रेड हो रहा है, तुरंत एकदम स्पीड से ड्रैग कर रहा हूँ तो वैसे में हेडशॉट लग रहा है। और अगर आप एकदम स्लो मोशन में ड्रैग करोगे तो वैसे में हेडशॉट नहीं लगने वाला, आपको एकदम स्पीड से ड्रैग करना है, मतलब बिल्कुल भी नहीं रुकना है। जैसे एम जो है वो रेड हो रहा है तुरंत से ड्रैग करो एकदम स्मूथली, लेकिन आपको जरा सा भी नहीं दबाना है, आपको एकदम हल्का से पकड़ना है और एकदम स्पीड से जितना ज्यादा हो सके स्पीड से। और ये जो स्पीड है थोड़ा टाइम लगेगा, इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब आपको 5-6 घंटे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो फिर स्पीड से ड्रैग करोगे तो आपका हेडशॉट जरूर लगेगा। और यहाँ पर मैं इसी ट्रिक को यूज कर रहा हूँ, हालांकि आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही एम जो है वो रेड हो रहा है तुरंत से एकदम स्पीड से ड्रैग कर रहा हूँ, सिंपल से हेडशॉट लग जा रहा है। और किसी भी गन से लगा रहे हो तो स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब स्पीड ही पूरा मैटर करता है हेडशॉट के लिए। तो ये तो हो गया हमारा हेडशॉट का ट्रिक जिसमें आपको मेन फायर बटन को हल्का से पकड़कर एकदम स्पीड से ड्रैग करना है ऊपर के साइड। तो ये हमारा हेडशॉट का ट्रिक हो गया। अब बात करते हैं इसके रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मतलब हमको क्या क्या चीज को फॉलो करना पड़ेगा जिसके बाद हम इस हेडशॉट ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, जो सेंसिटिविटी होती है आपको यहाँ पर सेटिंग पर मिल जाएगी सेंसिटिविटी फ्री फायर पर जाने के बाद। यहाँ पर आपको जो भी सेंसिटिविटी का जो जनरल है ना इसको बिल्कुल 100 कर देना है, इसको जितना ज्यादा फुल रखोगे उतना ही स्पीड से एम जो है वो हेड पर जाएगा। तो आपको इसको पूरा 100 कर देना है, चाहे कोई सा भी फोन यूज करो आपको इसको 100 कर देना है। और दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि आपको स्मूथ ग्राफिक्स में खेलना है। अगर आपके फोन में जरा सा भी लैग हो रहा है और ड्रैग करने में परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा मतलब स्क्रीन डगमगाने लगता है, तो वैसे में आपको स्मूथ ग्राफिक्स में रखकर खेलना है जिससे हेडशॉट बहुत इजीली लग जाएगा। इस तरीके से आप वुड पिकर पर हेडशॉट लगा सकते हो। और मैं 100% बोल सकता हूं जो भी बंदा इस ट्रिक को फॉलो कर रहा है, मतलब बहुत स्पीड से ड्रैग करेगा, उससे 100% हेडशॉट पर हेडशॉट जरूर लगेगा। तो इस ट्रिक को यूज करके देखो। और अगर इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्री फायर के ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सो लेट्स सी गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।